एक रोज जब सारा नींद से जागती है तो वो खुद को किसी अनजान आदमी के ऊपर लेटा हुआ पाती है, और वो भी बिन कपड़ों के। एक अजीब से दर्द की वजह से वो खुद को उस आदमी से अलग नहीं कर पाती है। दर्द की वजह से नीचे लेटे डेविड की आंखें भी खुल जाती हैं और वो सारा को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि दर्द उसे भी हो रहा होता है। अब वो एक जिस्म और दो जान है, सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन सर्वाइव करने के लिए सबसे जरूरी चीज है भरोसा, जो उनमें एक दूसरे के लिए नहीं है। फिर भी उन्हें जो करना है साथ करना है, और ये भी पता लगाना है कि आखिर उनकी ये हालत किसने और क्यों की। ये कहानी है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई लगभग सवा घंटे की स्पैनिश फिल्म टू की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इस फिल्म को देखना वर्थ रहेगा, नेटफ्लिक्स पर भाड़ा वसूल होगा या टाइम खोटा होगा। इसी बात पर अर्ज किया है, क्या खुद को जुदा कर पाएंगे ये बेचारे लगा चाकू पर जल। मैं हूँ आरजे सनी और आप देख रहे हैं याओ टेल्स। तो सबसे पहले अच्छी बातें, मैथ्स और साइंस में जिनका हाथ तंग रहा है उनकी यहाँ थोड़ी रिवीजन होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म अंक दो यानी कि नंबर टू का सिग्निफिकेंस बताती है। जैसे कि ये लोएस्ट प्राइम नंबर होने के साथ साथ इकलौता इवन नंबर भी है। ये बाइनरी सिस्टम का आधार है। जीरो और वन तो आप जानते ही होंगे, चाहे आप दो को दो से जोड़ें या दो को दो से गुना करें, जवाब एक ही आता है। यही नंबर दिमाग में चलने वाले द्वंद यानी कि डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्री को भी रिप्रेजेंट करता है, दुनिया में जीवन होने या ना होने को रिप्रेजेंट करता है, यिंग और यांग, सही और गलत, आदमी और औरत को रिप्रेजेंट करता है। प्लेटो और पाइथागोरस जैसे महान फिलोसोफर्स इस नंबर की खासियत पहले ही समझ गए थे, और क्योंकि ये फिल्म इन सभी चीजों के बारे में बात करती है तो जाहिर सी बात है फिल्म का नाम टू होना ही चाहिए था। हालांकि टू की ये मैथ्स और साइंस वाली जो बात है ये सिर्फ डायलॉग तक सिमट कर रह जाती है, कहानी से इसका कोई खास लेना देना नहीं है। दोनों एक्टर्स के लिए इस पोजीशन में शूट कर पाना बेहद मुश्किल रहा होगा। पूरी फिल्म में न्यूड होना अपने आप में आसान नहीं है, ऊपर से अनकंफर्टेबल पोजीशन में लेटना, बैठना, खड़े होना, चलने की कोशिश करना उनका काम और मुश्किल बना देता है। फिर भी उनका दर्द रियल लगता है, उनके इमोशंस रियल लगते हैं, आप उनकी एक्टिंग की वजह से कहानी पर यकीन करने लगते हैं। फिल्म में जिस तरह डुअलिटी वाले कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है वो एक आदमी और एक औरत के बेसिक नेचर को अपने तरीके से बताने की कोशिश करता है। ऐसी सिचुएशन में आमूमन एक औरत कैसे रिएक्ट करेगी और एक आदमी कैसे रिएक्ट करेगा फिल्म ये दिखाने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी पूरी तरह डायलॉग्स पर डिपेंड करती है और हर डायलॉग के साथ कुछ नए राज खुलते हैं। फिल्म का सस्पेंस आपको बांधे रखेगा, लेकिन क्लाइमेक्स से पहले ही आप स्टोरी प्रेडिक्ट कर लेंगे और मजा किरकिरा हो जाएगा। फिर भी ये फिल्म आपको याद रह जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव्स की। ये फिल्म हाई एक्सपेक्टेशन से शुरू होती है लेकिन अपने फुल पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाती है। अगर फिल्म में थोड़ा और डेप्थ होता, थोड़े और इवेंट्स होते तो शायद सस्पेंस आखिर तक बरकरार रहता। मेरे ख्याल से एक यूनिक कॉन्सेप्ट को वेस्ट कर दिया गया है। एक्टर्स को इस पोजीशन में एक्ट करने में दिक्कत तो जरूर हुई होगी, लेकिन कई बार वो हमें कन्विंस करने में फेल हो जाते हैं कि वो वाकई में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये फिल्म आपको डिसगस्ट फील कराती है और क्रीपी भी है, और मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी सस्पेंस और हॉरर फिल्म के लिए उसका क्रीपी होना जरूरी है। शायद इसे देखकर आपको ह्यूमन सेंटिपीड की याद आ जाए। पेरेंटल गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बच्चों के लिए कतई नहीं है, और अगर इसे देखना भी है तो अकेले ही देखना सही रहेगा। दिस फिल्म इज फुल ऑफ न्यूडिटी। एक तरफ तो दोनों किरदार एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन के आगे खुद को रोक भी नहीं पाते हैं। ये सडन इमोशन का बदलना हजम नहीं होता है। इस फिल्म में शुरुआत में पोटेंशियल लग रहा था, लेकिन ये उसे भुनाने में बिल्कुल नाकाम रही है। ओवरऑल टू एक एवरेज फिल्म है। अगर आप अकेले हैं और आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो नेटफ्लिक्स पर इसे देख सकते हैं, जिसे देखकर आप हॉर्नी नहीं डिस्गस्ट फील करेंगे। एक अच्छी खासी सस्पेंस फिल्म को बर्बाद करने के लिए टू को मिलते हैं 5 में से 2 स्टार्स। इसी बात पर सब्सक्रिप्शन बटन दबा दो मेरे यार। हमें डीएम करने के लिए इंस्टा पर भी फॉलो करें। कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और बगल में चंडीगढ़ करे आशिकी का रिव्यू दिया गया है, इसे भी देख लें। और ऊपर दिया गया है प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करें और बैक टू बैक सारे वीडियोस देखें। हमें ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू।